गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे क्लास 12 का टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड कि हमें इसके लिए क्या क्या अपरेटस की रिक्वायरमेंट होगी। जैसा मैंने ऊपर बताया था, दिस इज अ बैटरी एलिमिनेटर जो आपको वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड करता है। जैसा कि उसमें मैंने आपको बताया था सर्किट है कि 0, 2, 4, 6, 8, 10 डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड करता है। हमने जब इसके रीडिंग निकाल लिए हैं तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको 2 पे 4 पे 6 पे सेट कर लेते हैं। एज यूजुअल दिस रेड एंड इज द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी एलिमिनेटर एंड ब्लैक एंड इज द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी एलिमिनेटर। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको ऑपरेटर समझा देता हूँ। दिस इज बैटरी एलिमिनेटर, दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स। इस रेजिस्टेंस बॉक्स को लो रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं क्योंकि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम वैल्यू 20 पे खत्म हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमें इसके लिए 2 कीज रिक्वायरमेंट है, दैट वाज 1 वे की। एक की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी और दूसरी की यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे पास एक लैक्लेंची सेल है। अब क्वेश्चन ये आती है कि हमने बनाया कैसे है, तो इज नथिंग, ये आपके पास लैक्लेंची सेल का पॉजिटिव एंड है जो पहले से बना हुआ आता है। हमने खाली इतना किया है कि इस बीकर में NH4Cl का यानी अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलाया है और इसे थोड़ी देर के लिए कनेक्ट करके छोड़ दिया है। दिस इज नोन एज जिंक रॉड। ठीक है, ये जो ये वाला एंड है ये आपके पॉजिटिव एंड को लिबरेट करता है और ये जो जिंक वाला है ये नेगेटिव एंड को। ये आपके पास एक डिवाइस है जिसे आप कैलोमीटर बोलेंगे। ठीक है, ये हमें करंट का डिफ्लेक्शन बताएगा, मतलब करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है प्लस कितनी मिनिमम वैल्यू आ रही है। दिस इज हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स हमने इसलिए बोला है क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू एज यूजुअल 1 से स्टार्ट है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो इट इज 15,000 वोल्ट्स। इज दिस क्लियर? ये हमारे पास एक डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। ठीक है, दिस इज नोन एज पोटेंशियोमीटर। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 meters, 1 meter के 10 वायर्स लगे हैं। मतलब ये जो वायर लगा है टंगस्टन का, इसकी टोटल लेंथ 100 मीटर है। ठीक है, ये 1 meter स्केल लगा है। अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आपको ऊपर वाले स्केल से लेंथ मेजर करनी है, लेकिन वहीं पे अगर आप राइट टू लेफ्ट आएंगे वापस से इधर तो आपको नीचे वाले स्केल से अपनी लेंथ को मेजर करना है। ठीक है, दिस इज नोन एज जॉकी। ये जॉकी आपको किस काम में आने वाले मैं आगे आपको डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद फिर से हमें रिक्वायरमेंट है, दिस इज रियोस्टेट जो मैंने आपको उसमें बताया था। दिस इज यूज टू वेरिएट द रेजिस्टेंस। फिर आपके पास ये अमीटर है। इज दिस क्लियर नाउ? सो अब हम लोग इसे कैलकुलेट स्टार्ट करते हैं। बैटरी के एंड का जो पॉजिटिव एंड है इसको हम पोटेंशियोमीटर के एक एंड यानी इसको ए मान लेते हैं, यहाँ से कनेक्ट करेंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं एक और ये एक, दो वायर निकल रहे हैं। एक वायर को मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये वायरिंग यहाँ से निकल के फिर यूँ आ रही है। नाउ जो सेकेंड एंड है रेजिस्टेंस बॉक्स का, उसको हम लोगों ने की के साथ कनेक्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, और इस की के जो सेकेंड एंड है यहाँ से जब वायर निकल रहा है तो इससे हमने गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया है। अगेन जो गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव एंड है इससे हम लोगों ने रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और रेजिस्टेंस बॉक्स का जो सेकेंड एंड है उसके साथ देखिए मैंने टेबल के नीचे वायर निकाला हुआ है, उसके साथ हमने जॉकी कनेक्ट की हुई है। तो ये हमारा हाफ सर्किट कनेक्ट हो गया है। नाउ वापस से हम आते हैं, ये जो बैटरी का पॉजिटिव एंड से हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ था, यहाँ से फिर से ये एक वायर लिया हुआ है जिसके साथ हमने लैक्लेंची सेल के पॉजिटिव एंड को कनेक्ट किया हुआ है। लैक्लेंची सेल का नेगेटिव एंड हमारे गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है। ठीक है, और उसके बाद से वापस ये सर्किट ये पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एंड लेते हैं, ये हमारा पोटेंशियोमीटर का बी एंड है। इस बी एंड से हमने एक की कनेक्ट की हुई है। ठीक है, इस की का एक एंड हमने रेजिस्टेंस से लगाया हुआ है। रेजिस्टेंस के दूसरे लोअर एंड से यहाँ से हम लोगों ने अमीटर को कनेक्ट किया हुआ है और अमीटर को वापस से हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो दिस इज अ कंप्लीट सर्किट। नाउ द टू थिंग्स आर देयर कि इस की को हम लोगों ने ऑलवेज क्लोज रखना है, इसे ओपन नहीं करना है। ठीक है, जब आप बैटरी ऑन करेंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस को मैक्सिमम वैल्यू पर जाइए ताकि यहाँ पर अमीटर में आपको मैक्सिमम जितना अभी करंट फ्लो कर रहा है वो आपको पता लग जाए, ताकि हमें ये पता रहे कि मैक्सिमम करंट इस सेल से कितना फ्लो हो सकता है, कितना प्रोड्यूस हो सकता है। अब आपको दो रीडिंग लेनी है, वन इज L1,
दो आपकी लेंथ होगी L1 और सेकंड होगी L2। नाउ हमें ये समझना है कि व्हाट इज L1 एंड व्हाट इज L2। तो सबसे पहले जब सर्किट देखिए ओपन और क्लोज, अगर मैंने इस की को ऐसे लगाया हुआ है दैट मीन्स सर्किट क्लोज है, और अगर इस की को निकाला हुआ है दैट मीन्स सर्किट ओपन है। अगर सर्किट ओपन होगा तो आप जो रीडिंग निकालेंगे दैट वॉज नोन एज L1, और सर्किट अगर क्लोज होगा तो आप जो रीडिंग निकालेंगे दैट इज नोन एज L2। इज दिस क्लियर? फर्स्ट रीडिंग निकालने के लिए हम लोग इसमें से कोई एक रेजिस्टेंस निकालेंगे। सपोज आप 2 भी निकाल सकते हैं, 1 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, 10 भी निकाल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या कन्वीनियंट लगता है। मैंने इसमें से 5 ओम की रीडिंग निकाल ली, की निकाल ली। अब आपको क्या करना है, जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर के वायर पर प्लेस करना है और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो जब मैंने इसको टच किया तो डिफ्लेक्शन इस तरफ आ रहा है। मुझे ये जॉकी इस तरह से प्लेस करनी है कि जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वापस से जीरो हो जाए। देखिए ये इधर आ रहा है, अगेन देखूंगा तो उधर आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो थोड़ी सी रीडिंग चेंज हुई है, तो मैं नेक्स्ट वायर पर जाता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है अपोजिट हो गई है, तो मैं वापस से थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करता हूँ। सो दैट ये देखिए जॉकी के साथ साथ गैल्वेनोमीटर की निडल मूव कर रही है, और जैसे गैल्वेनोमीटर की निडल जीरो पे आ जाएगी वहाँ पर आपको जॉकी को स्टॉप कर लेना है। ना अब देखिए जहाँ मैंने जॉकी को स्टॉप किया है उसके स्ट्रेट में मुझे अपनी लेंथ मेजर कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी 75 और 25 के बीच में आई है, यहाँ पर मैंने इस वायर पर हाथ रख लिया और इसे हटा लिया है। ठीक है, मीनवाइल आप बैटरी ऑफ कर सकते हैं। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ये लेंथ कितनी है। तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ वायर स्टार्ट किया था तो 1 मीटर, देन वापस यूँ आए तो 2 मीटर, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो यहाँ से मैं यूँ चल रहा था 700 मीटर पे, और यहाँ से फिर घूम के यहाँ, मतलब इट इज 775 सेंटीमीटर इज द L1 रीडिंग। इज दिस क्लियर? नाउ अब सेम मुझे L2 निकालना है, इसे चेंज नहीं करना है, इट रिमेन एज सच। 5 ओम निकाला है तो 5 ओम ही रहना चाहिए। अब आपको सर्किट को क्लोज कर देना है। जब आप सर्किट क्लोज करेंगे और फिर से आपको डिफ्लेक्शन देना है, देखिए मैं वापस देख रहा हूँ डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, बस आप इतना देखेंगे नाउ डिफ्लेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। वापस से आपको इसको जॉकी को इस तरह से प्लेस करना है ले आके, ताकि आपका डिफ्लेक्शन वापस से किस पे आ जाए, जीरो पे आ जाए। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि ये बहुत धीरे हो रहा है, ये देखिए ना। अगर हम लोग वायर पे चल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे जीरो हो गया, दैट मीन्स आपको फिर से वाली रीडिंग कैलकुलेट कर लेनी है। जब मैं देख रहा हूँ तो मेरा इस फर्स्ट वायर पे आ गया, फर्स्ट वायर मीन्स मैं ऊपर वाली लेंथ ले सकता हूँ, दैट वॉज 24। ये आपकी L2 आ गई है। इज दिस क्लियर? नाउ इसके बाद जो आपके पास फॉर्मूला है इस पोटेंशियोमीटर का, दैट इज स्मॉल आर। स्मॉल आर इज व्हाट? इंटरनल रेजिस्टेंस इज L1 माइनस L2 अपॉन L2 मल्टीप्लाई बाय आर, कैपिटल आर। कैपिटल आर मीन्स दिस रेजिस्टेंस, L1 मीन्स व्हेन द की इज ओपन, एंड L2 मीन्स व्हेन द की इज क्लोज्ड, मल्टीप्लाई बाय आर। इज दिस क्लियर? ऐसे आपको 5 इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने हैं, और फिर उसका मीन निकाल के जो आंसर आएगा दैट वॉज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फॉर्म सेल, दैट इज लैग्रैन्जियन सेल। आई होप दिस इज क्लियर नाउ दैट व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।